सरबजीत को अपने गांव से गांव तक पहुंचने में 23 साल लग गए। वो गांव तो लौटे लेकिन जिंदा नहीं। गांव पहुंचने से पहले उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया और हर पल देश की नजरें उनका पीछा करती रही। 23 साल बाद मुल्क नसीब तो हुआ, लेकिन जिस शख्स ने जिंदा सरहद पार की थी वो लौटा तो ताबूत और तिरंगे में लिपटा हुआ। रात के 2 बज चुके थे जब सरबजीत का शव अपने पैतृक गांव अमृतसर के बिखेविंड पहुंचा और शव पहुंचते ही पूरा गांव चीत्कार उठा। शाम के 7:50 बज रहे थे जब इंडियन एयरलाइंस का स्पेशल प्लेन सरबजीत के शव को लेकर लाहौर से अमृतसर पहुंचा। बहन को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के चंगुल से अपने भाई को आजाद करवा लेंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी, मैं अपनी बेटियों को खुशियां लौटा ही नहीं सकी। खेतों की ओर पैदल निकला आदमी जहाज में सवार होकर आया, लेकिन रूह रूठी हुई, सांस टूटी हुई। घड़ी की सुइयों को न जाने क्या हो गया था, समय पहाड़ सा लग रहा था। रात करीब 9:21 पर हेलीकॉप्टर के जरिए सरबजीत का शव अमृतसर से भिखीविंड पहुंचा। बिटिया ने पापा के बेजान शरीर को देखा तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवार का पहाड़ सा गम बांटने के लिए पंजाब सरकार ने बाहें फैला दी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कदम कदम पर पार्थिव शरीर के साथ थे और उस परिवार को ढांढस बंधा रहे थे जिनके गम ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। ये बहुत शर्मनाक है, ये इशू इंटरनेशनली इसका उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया को मालूम चलना चाहिए कि पाकिस्तान इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट अपने कैदियों को करता है। गमगीन माहौल के बीच करीब 9:40 पर सरबजीत का शव पोस्टमार्टम के लिए पट्टी हॉस्पिटल पहुंचा। अमृतसर के पट्टी में पोस्टमार्टम के बाद सरबजीत का शव उनके पैतृक घर भिखीविंड के लिए रवाना हुआ और महज आधे घंटे के अंदर गांव का बिछुड़ा लाल अपने गांव में था। गांव से इस जाने और आने के बीच करीब 23 साल का लंबा फासला था और नफरत में लिपटी सरहद की इस दूरी ने फासले को पूरा करने के लिए जान भी नहीं बख्शी। सरबजीत आज अपने वतन भी लौटे तो अंतिम संस्कार के लिए। आज भिखीविंड में शहीद की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 2 बजे सरबजीत पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।